हेलो, आज मैं आपको मैनिया, उन्माद, हर्षवायु इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो बीमारी है इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर भी बोला जाता है या बोलते हैं। ये बीमारी में आदमी एकदम ऐसा बहुत ज्यादा बातचीत करना चालू कर देता है, तो इसका स्वभाव जो है ना पहले से वो ऐसा सब में मिलने वाला, हंसी मजाक करने वाला या सबसे बातचीत करने वाला रहता है, जिसको बोलते हैं हाइपोमैनिक पर्सनैलिटी। तो ये कोई भी उम्र में बीमारी आ सकती है, पुरुष या स्त्री को इसको भी शरीर की बीमारी है, मतलब ऐसा उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर यदि माता पिताजी को ये बीमारी यदि है तो बच्चों में बीमारी आने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें होता यह है कि व्यक्ति काफी जोर जोर से बोलना चालू कर देता है, बातचीत करना चालू कर देता है, होता है कि नहीं मुझे बहुत लोग पहचानते हैं, मेरा तो बैंक बैलेंस बहुत है, मैं करोड़पति हूं, फिर होता है कि नहीं मेरा ये आमदार पहचान का है, ये खासदार पहचान का है, फिर कुछ लोग बोलते नहीं नहीं मैं तो खासदार ही हूं, उनका तो पीए हूं, या भी इलेक्शन में मैं लड़ने वाला हूं, या प्राइम मिनिस्टर के साथ में मेरे संबंध है, ऐसा वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। और ये बातें जब करता है तो उससे बात करने में हम मतलब अपने को मजा आता है, वो हम उसमें एंजॉय कर सकते हैं, तो इस तरह से वो बातें करता है। और वो एक बात से दूसरी बात तक, दूसरी बात से तीसरी बात तक, मतलब ऐसा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, मतलब ऐसा उड़ान भरता है वो, उसके विचार जो ऐसे इतने फटाफट फटाफट बदलते जाते हैं। और ये व्यक्ति को अपना कहना, खुद का कहना ऐसा लगता है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, डोमिनेट करता है लोगों के ऊपर, पर अपना कहना मानना चाहिए ऐसा उसको लगता है। कोई भी उसका विरोध करता है तो वो उसको मतलब उसे झंझट मोल लेगा या झगड़ा कर लेगा, उसको प्रेशर डालेगा और वो खुद का ही जो है वो बराबर ऐसा बोलेंगे। ये व्यक्ति पैसा भी बहुत खर्चा करता है, बहुत पैसा खर्चा करेगा, मतलब कहीं से भी जाके उधार माल लाएगा, अपनी पहचान से वो बोलना तो मेरा नाम लिखो, मेरे पिताजी का नाम लिखो और माल लेके आएगा। कुछ लोग बड़े बड़े सौदे कर डालते हैं, या बड़े बड़े सौदे मतलब खरीदते हैं या बेच भी डालते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहनेंगे, गहने लाएंगे, अंगूठियां, नेकलेस और ऐसा मतलब बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत मतलब शान शो करेंगे, औरतें जो है वो एकदम बहुत ही ज्यादा मेकअप कर लेंगी, और वो लोगों को अपना अपना जो प्रेजेंस है वो बताते हैं कि देखो मैं प्रेजेंट हूं यहां, ऐसा इस तरह। इसमें जितना ज्यादा प्रेशर ऑफ स्पीच रहता है, मतलब बोलने का प्रेशर ज्यादा रहता है, फ्लाइट रहती है, मतलब एक विचार से दूसरे विचार तक उड़ान लेता है वो, और फिर कभी कभी इतना हो जाता है कि फिर उसका बोलना भी हमको समझ में नहीं आता। उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा रहती है कि वो बहुत एनर्जी से मतलब घंटा दो घंटा वो सोता है, और घंटा दो घंटा सोने के बावजूद भी वो बहुत ही दिन भर एक्टिव है, घूमेगा फिरेगा, एक गांव गांव में जाएगा, वहां बड़े बड़े लोगों से बात करेगा, बड़े बड़े सौदे कर देगा, पैसा खर्च करेगा बाहर गांव जाके, या फोर व्हीलर खरीद लेगा, मतलब तो ऐसा कुछ भी करेगा हो, और बहुत काफी एनर्जी उसमें रहती है। किसी से भी बात करना, गली मिलना, फिर लोगों को पार्टियां देना, खाना खिलाना, शराब पिलाना, खुद भी शराब पीना चालू कर देता है, तो ऐसी सारी हरकतें कि लोग घर के परेशान हो जाते हैं। तो इसका करना क्या, मतलब पहले थोड़ा ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा बात करने लगता है, और वो कब मानसिक समस्या बन जाती है वो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, जब मालूम पड़ता है तो समस्या ने बहुत ज्यादा गंभीर रूप धारण किया रहता है। अब इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज जो है वो मनोचिकित्सक के पास में जाके ही, साइकेट्रिस्ट के पास में जाके इसका इलाज करना जरूरी है। इसमें दवाइयां हैं, जैसी जब जो हाइपर है, हाइपर एक्टिविटी है,
तो इसमें दवाइयां हैं, तो दवाइयां उसको देना पड़ता है, तो दवाइयां उसे वो जरा शांत हो जाता है, सोता है। इसमें जैसा खाना खाने की उसको इच्छा कम होती है, तो अभी सोने के बाद में वो खाना भी खाना ठीक चालू कर देता है, और उसका जो प्रेशर है, काम करने का प्रेशर, बातें करने का प्रेशर, वो जरा जब नींद लेता है तो वो शांत हो जाता है, जरा शांति से रहता है। फिर कुछ दवाइयां ऐसी है कि जो मूड स्टेबिलाईजर से, मतलब मूड संतुलन करने की, भावना संतुलन करने की दवाइयां हैं, तो उसको दवाई देनी पड़ती है, और दवाइयों से भी वो अच्छा हो जाता है। कभी कभी वो इतना अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब कंट्रोल के बाहर, दो दो चार चार लोग उसको पकड़े तो पकड़े जाएंगे नहीं, वो वायलेंट हो जाता है, उसको उसका विरोध किया तो मारपीट करना चालू कर देता है, तो उसको पकड़ना, लोगों को बुला के उसको पकड़ना बांधना भी पड़ेगा, मतलब इतना भी कभी कभी ज्यादा हो जाता है। मेरे पास में काफी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि वो चार चार पांच पांच लोग उसको पकड़ते तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, उसको बांध के लाते, फिर जब वो उसको छोड़ते हैं ना तो फिर उनको मारना चालू कर देता है। तो लोग बड़ी बड़ी संगली डाल के लाते, संकल डाल के लाते मेरे पास में, कि इतना उसको, इतनी ताकत आ जाती है उसको। ये जो बीमारी है, ये डोपामिन जो ब्रेन में हमारे होता है ना, मस्तिष्क में डोपामिन होता है, तो डोपामिन लेवल या नॉरएपिनेफ्रिन लेवल्स या सेरोटोनिन लेवल्स ज्यादा होने से ये बीमारी होती है, ऐसा रिसर्च में बोला गया है। तो डोपामिन लेवल या नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को कम करने के लिए दवाई दी जाती है, और भावना संतुलन करने की दवाई देने के बाद में वो ठीक होता है। मगर यदि बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है शॉक ट्रीटमेंट से। तो जो मैंने बोला अभी कि बांध के भी नहीं आता, मतलब बांधना पड़ता है, चार चार लोग पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूं, लोग मेरे खिलाफ है, लोग मुझे काम करने देते नहीं है, उसको शक भी लोगों के ऊपर आता है कि नहीं लोग मेरे खिलाफ है, लोग कुछ तो भी मेरा कर देंगे, तो मतलब इसलिए उनको लोगों से भी मतलब वो दूर भागते हैं, और इलाज करना बिल्कुल चाहते नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है ऐसा बोलते हैं, तो उनका इलाज को लाना ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। तब उनको हम जब लेते हैं तो दवाइयां लिया तो दवाई से वो ठीक हो जाता है, मगर दवाई लेना भी कभी दवाइयों से भी कभी कभी ठीक नहीं होता, तो उसको शॉक ट्रीटमेंट देना भी कभी, जब ज्यादा ही हो रहा है तो शॉक ट्रीटमेंट देना भी कभी कभी उचित रहता है। अब ये दवाई कितने दिन देना, तो दवाई उसकी 6 महीने से लेकर साल भर देना उसको जरूरी है। दवाई से वो कंट्रोल में थोड़ा आ गया, 15 दिन में 1 महीने में कंट्रोल में आ गया, तो होता क्या है कि ये लोग दवाई अपनी बंद कर डालते, तो जो एक्चुअली जो सोर्स है समस्या का, मूल रूप जो है बीमारी जो ब्रेन में है, वो संतुलन तो हुआ ही नहीं, फिर से वो जोर लेता है और फिर वो बीमारी जैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए उसका इलाज 6 महीने से लेकर साल भर करना जरूरी है। और हमारे यहां तो ऐसी व्यवस्था है अकोला में कि यदि रिश्तेदार है उनको रहना नहीं है पेशेंट के साथ में, उनको डर लगता है, या उनको अपने गांव में जाके काम करना है क्योंकि उनकी रोजी रोटी उनके हाथ के ऊपर रहती है, काम करना है, या उनके साथ में रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम उसको हमारे पास में रखते हैं, रिश्तेदारों को वापस भेज देते हैं, उसका इलाज करके हम उनको वापस लेके जाने के लिए बोलते हैं। तो ये भी व्यवस्था हमारे पास में है, तो लोगों को काफी सुविधा हो जाती है। तो ये मैनिया जो है इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव है। कभी कभी ये मैनिया के साथ में, मतलब एक बार वो अच्छा हो गया तो फिर से साल दो साल के बाद में फिर से उसको मैनिया आ सकता है, मतलब उन्माद या हर्षवायु फिर से उसको ये दौरा पड़ सकता है, या फिर उसको कभी डिप्रेशन का, निराशा का, हताश का दौरा, उदासीनता का दौरा भी पड़ सकता है। तो ये एक बार हाइपर एक बार डाउन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम मूड संतुलन या भावना संतुलन की दवाई दिया तो उसका ऊपर नीचे होना संभव नहीं है, फिर वो नॉर्मल रह सकता है। ये सभी लोग, मतलब मैनिया के लोग, हर्षवायु के लोग जो है, जो पेशेंट है, ये अपनी जिंदगी अच्छी तरह से काटते हैं, अच्छी तरह से बिताते हैं, उनको बाकी एक बार वो दौरा निकल गया तो पूरी तरह से वो अच्छे रहते हैं। तो हमको वो सिखाना पड़ता है उनको बाद में कि थोड़ा सा भी उनको यदि शक आता है या उनके घर वालों को शक आता है
कि नहीं थोड़ा ज्यादा बात करना उसने चालू किया, तो तुरंत दवाई चालू करना, डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है। तो इस तरह से हम इनका इलाज करते हैं। आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी ऐसी आपसे विनती है कि आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरा फेसबुक पेज भी है उसको भी लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, हमारा वेबसाइट है वहां जाके आपको काफी सारी जानकारी मिल सकती है। और हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, हमारे पूरे देश में सबको सबको मानसिक स्वास्थ्य मिले, और जिनको मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, अस्वास्थ्य है, मतलब जिनको बीमारी है, उनका इलाज भी पूरी तरह से होके वो अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से बिता सकेंगे, इसलिए हम खड़े हैं। तो इसलिए ये हमारे मिशन में आपका सहयोग, आपकी पार्टनरशिप जरूरी है, और इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप पूरी पार्टनरशिप आप हमारे हमको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।